हेलो फ्रेंड्स, मूत्र का शुरू छोड़कर बाकी का मूत्र पीना चाहिए। हम लोग कितनी कसैली दवा लेते हैं तथा कैप्सूल टेबलेट लेते हैं जो कि कैसे बनती है हमें नहीं मालूम है, जबकि स्वमूत्र अपने ही शरीर का है। इसे बिना खर्च के लिए निश्चित ही ठीक होता है। अंत तक सुने तथा लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शरीर के उपयोग में ना आए हुए कीमती द्रव मूत्र द्वारा निकलते रहते हैं, जिससे शरीर के यथेष्ट पोषण नहीं मिल पाता है और वह आसानी से रोग का शिकार हो जाता है। इसलिए वे कीमती द्रव उसी शरीर को वापस दिए जाएं तो उस शरीर को अच्छा पोषण मिलता है, जिसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक द्रव्य अपना काम नियमित तथा व्यवस्थित करता रहता है और शरीर स्वस्थ बना रहता है। हड्डी का क्षय। कुमारी किरण शाह, उम्र 17 वर्ष, माड़े चौक अहमदाबाद। यह लड़की इतनी बीमार थी कि चारपाई से उठ नहीं सकती थी और करवट तक बदल नहीं सकती थी। चाय का एक कप भी पीने से इनकार करती थी। उसकी बाईं जांघ पर बड़े अमरूद सा एक फोड़ा एक पक गया था। दूसरे डॉक्टरों ने इस केस को मेरे पास भेज दिया था। मैंने होम्योपैथिक दवा देकर उस फोड़े को एक ही दिन में फोड़ डाला था, जिसमें से आध शेर मवाद निकला। इतनी ज़्यादा पीप निकल जाने से अनेक दिनों की पीड़ा तथा अनिद्रा का दुख भोगने वाली लड़की उस दिन आराम से सोई। मैंने कुछ दिन तक होम्योपैथिक इलाज किया, परंतु रोगी को यथेष्ट आराम नहीं हुआ। बुखार, खांसी और कमजोरी से आदि में कोई खास फर्क नहीं आया और कितने ही दिनों तक पीप निकलती रही। ऐसी हालत थी कि वह शायद ही एक हफ्ता जी सके, इसलिए मुझे मूत्र चिकित्सा का आश्रय लेना पड़ा। दिन में 3 बार उसको अपना पेशाब एक एक काउंस पिलाया जाता था। सादा सुपाच्य तथा पचने वाला आहार लेने की उसे इजाज़त दे रखी थी। फोड़े पर पेशाब की पट्टी रखी जाती थी। 3रे दिन पीप बंद हो गया। बीमार ने कुछ खाने की रिच प्रकट की। 6ठे दिन उस लड़की ने 2 बार खाना मांगना शुरू किया और उठने बैठने लगी। 9वें दिन तो उसने 3 बार खाने का आग्रह किया। घर के चबूतरे तक उसने घूमना शुरू किया। 12वें दिन खाने की मांग और बढ़ी, परंतु ना मंजूर करनी पड़ी। 15 दिन के बाद पेशाब पिलाना बंद किया। वह इतनी स्वस्थ हो गई कि बाहर घूम कर फिर सकती थी। इस तरह 15 दिन में मूत्रोपचार से वह लड़की तंदुरुस्त हो गई। उसने अपनी उम्र के अनुसार खोए हुए रूप, रंग, आकृति, भूख, प्यास, बुद्धि, स्वभाव, वजन, शक्ति आदि फिर से प्राप्त किए। आज 6 महीने के बाद वह लड़की चाहे जितना श्रम करती है फिर भी कोई बाधा नहीं आती है। इस प्रकार वह एकदम स्वस्थ हो गई। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेंड करें। जय हिंद, जय भारत।